तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है टोनी। फूल एम पेम ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ आपको। जंगल के अंदर जो चींटी रहते हैं, जो खाने वाले चींटी, इसको नाम कुरकुटी ने क्या बोलते हैं, वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उसको आज हम वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप देखिए वीडियो में, आप पूरा फास्ट से लास्ट तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है वीडियो। कि ये मैं अकेला आया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। अकेले में ऐसा एडवेंचर्स करना अच्छा तो लग रहा है, लेकिन फिर भी डर भी लग रहा है। आप ही बताइए दोस्तों, मैं अंदर आके गलती तो नहीं कर दिया, कमेंट में बताइए। डर लग रहा है फिर भी मेरा, अंदर से पता नहीं क्या मैं चल रहा है उधर, और अंदर जाने का मन कर रहा है। देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। ये देखिए पूरा घना जंगल है, यहाँ पे हाथी का हमेशा डर रहता है। हाथी हमेशा यहीं पे कहीं से पास के गांव में घुस जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत डर लग रहा है मेरे को। अंधेरा भी छाने वाला, अभी थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। फंस गया हूँ मैं, बचाओ मेरे को। क्या करना चाहिए मेरे को कमेंट में बताइए। वीडियो को भी लाइक कीजिए, अब तो देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे। अभी तक मेरे को उनका थोड़ा सा सुराग भी नहीं मिला, तभी मैं ढूंढ रहा हूँ। जंगल के पूरा अंदर आ गया हूँ दोस्तों। शाम भी होने वाला है, कोशिश करने वाले का हार नहीं होता है कभी भी। तो आपके लिए तो इतना करेंगे ही, क्योंकि ये वीडियो बनाना ज़रूरी भी है। आप लोग इसको देखिए, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये आपके लिए। मेरे को उसका थोड़ा सुराग मिला है, देखिए इधर उधर भटक रही है। ये ज़्यादातर पेड़ में रहते हैं, एक पत्ते को पूरा जोड़ के ऊपर से एक घर बना कर रहते हैं। ये कहीं कहीं पे पेड़ में होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। आसपास भी होंगे, ज़्यादा दूर नहीं होंगे, आसपास होंगे। तो मेरे को थोड़ा सतर्क रहना है, साफ साफ का भी डर रहता है यहाँ पे दोस्तों। ये देखिए, ये ऐसा दिखते हैं, यही वो काई आंट जो कुरकुटी बोलते हैं कि एक छोटा सा एंट हिल है, अभी भी बनाया हुआ है। मैं दिखाता हूँ उसका अंदर क्या रहता है। ये देखिए अंदर कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखिए दीमक, दीमक को घर में तोड़ दिया, ये सच में बहुत बुरी बात है। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर ये करते क्या है, रहते कैसे है। ये देखिए जितना उनका जो मिस्त्री सब है बाहर आके जगह का मुआयना कर रहे हैं, ये कैसे टूट गया, इसको फिर से रिपेयर करेंगे। लेकिन उनको मैं इतना मेहनत करने को नहीं दूंगा, मैं इसका जो टूटा हुआ है इसको मैं फिर से वहीं पर लगा देता हूँ। किसी का घर तोड़ना अच्छी बात नहीं है दोस्तों, आप भी कभी मत कीजिए ऐसा। कितना मेहनत से बनाते ये सब, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था, इसीलिए आप गलत कमेंट भी मत करना जो मैं खुद बोल रहा हूँ, खुद तोड़ रहा हूँ। मैं ये छोटा सा इसलिए तोड़ के दिखाया क्योंकि बड़ा सा तोड़ने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं है। क्योंकि बनाते हैं तो ये छोटे छोटे जीव, लेकिन रहते उसमें नागराज भैया, इसीलिए मैं उनसे नहीं पंगा लेने वाला हूँ भाई। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो जो खाने वाला चींटी सब कहाँ रहते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा एंट हिल बना है कुदरत ने, कैसा जादू करिश्मा करके रखे है। देखिए ये छोटे छोटे जीव कितना बड़ा कारनामा करके दिखाते हैं। तो ये मेरे से कितना हाइट है देखिए, कितना ऊंचा है देखिए, कम से कम ये 7 फुट का तो होगा। बहुत ऊपर जा रहे हैं, बहुत इनका घोंसला बहुत ऊपर बना है। मिल गया दोस्तों घोंसला, मिल गया यही पास में। तो जुगाड़ करके ये मैं एक बनाया हूँ हुक जैसा, इसको तोड़ने वाला हूँ और लगा कर डंडी को, डंडी जो लगा उसको खींच के ऐसा तोड़ दूँगा।
हाथ तो नहीं पहुंच रहा है, फिर भी हाथ नहीं पहुंच रहा है, और थोड़ा सा चाहिए, और थोड़ा मैं पास जाता हूँ। ये डंडी में इसका घर है, कितना सुंदर अब का घर बनता है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, एक बार टूट जाए नहीं भाई, मेरा तो है तो ये फेल हो गया भाई। सब मैंने कोशिश करके और एक बनाया, देखिए ये जुगाड़ लगा के मैं फिर से कोशिश करता हूँ। एक हाथ में मेरा कैमरा, देखिए भाग गए, नहीं भागे, वो सब वहीं पे जमे हैं। ये मैंने लगाया और ये मैंने तोड़ दिया, मेरे ऊपर गिर गया। तो ये मेरे ऊपर गिर गया, मेरे कपड़े पे गिर गए। ये देखिए ये कैसे घर बनाते हैं, ये तो नहीं टूटा है भाई, फसा दिया सारा, मेरे ऊपर गिर रहे हैं। तो चिपका के मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये दोनों पत्ते कैसे चिपका के कितना सुंदर अंडे देते हैं, घर अंदर घर बनाते हैं। यही चींटी खा जाते हैं, सेहत के लिए ये चींटी बहुत अच्छा होता है। तो मैं ये तोड़ तो नहीं पाया, फिर कोशिश करता हूँ और एक बार इसको तोड़ने के लिए। ये फाइनली मैं इतना मेहनत के बाद इसको तोड़ लिया हूँ। देखिए इनका घर, देखिए ये कैसे दो पत्ते को काट दिया भाई। ये देखिए इनका घर कितना सुंदर, ये देखिए इनका खाना, देखिए खाना है ना, ये क्या है पता नहीं, लेके भाग रहे उसको काट के। दोस्तों इनका घर तोड़ा हूँ इसीलिए मेरे पे गुस्सा दिखा रहे हैं, कितना सुंदर। देखिए ये लोग आदिवासी लोग यहाँ पे खाते हैं बहुत चौक से, किसको लेके भाग रही है देखिए ना। खाना है ना क्या है, आपको दिखाया ये कैसे रहते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ में ये घर बनाते हैं, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ज़्यादातर आदिवासी लोग खाते हैं, ये बहुत अच्छा होता है उनके लिए। ये सरकार ने इसको अभी GI टैग दिया है, जो खाना चाहिए सबको खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। मेरे हाथ पैर फुला दिए काट काट के, चल रहा है मेरा हाथ, बहुत काटते बहुत तेज से काटते वैसे ना छूटे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, अगर तब तक के लिए बाय, फिर एक नया वीडियो लाऊंगा। बाय बाय।